दोस्तों, ये है बेल और स्वीट होता है, और जब कच्चा होता है तो ये खट्टा होता है बहुत, लेकिन पकने के बाद में ये स्वीट हो जाता है, यानी कि मीठा हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा बेल है, यहाँ पे इस तरीके से आपको नज़र आएगा, और टूटने के बाद में जब ये टूट जाएगा तो देखो यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। फोड़ेंगे तो इसको अंदर इस तरीके से आपको दिखेगा पूरा मसाला में, ये देखिए। और यहाँ पे इसको पीस के और इसका जूस बनाया जाता है, और इसका जूस बनाते हैं, और जूस देखो यहाँ पे इस भगोने के अंदर में तैयार होता है। और बेल का जो शरबत है, ये देखिए, बेल फल का रस 10 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो टेस्ट करते हैं और बतलाते हैं आपको इसका टेस्ट। ये क्या बर्फ है? अच्छा, थोड़ा सा मेरे को बताओ ना भगोने के अंदर का। ये देखिए दोस्तों, इसको जूस, इसको कैसा मिक्सर में बनाते हैं, कैसा बनाते हैं? हाथ से भी बनता है, मिक्सर में भी बनता है। इसको पीस के इसको पानी में मिला के, मतलब इसको, और इसमें क्या डाला जाता है? शक्कर, बेल और शक्कर। अच्छा अच्छा, पन्नी में डालने का क्या राज है? बर्फ का पानी बोलता गंदा है, हाँ। अच्छा अच्छा, तो पानी फेंक देता हूँ, हाँ, ठंडा हो गया तो पानी गिरा। अच्छा अच्छा दोस्तों, देखो पन्नी के अंदर में बर्फ़ डाल के रखा है, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट डालेंगे तो इस बर्फ़ का जो पानी होता है शरबत में आ जाएगा, लेकिन इसको पन्नी में डाला हुआ है, और अभी धीरे धीरे पिघलता रहेगा, जब ये पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा तो पन्नी को निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, एक गिलास मुझे बनाइए ना। ये कब से कब तक खाली सीजन में रहते हो कि हमेशा रहते हो? 8 महीना। 8 महीना अभी बारिश में नहीं रहोगे? 2 महीना घर। अच्छा, घर चले जाओगे। दोस्तों देखिए, बेल का जूस मैं तो आज फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन हम ट्राई करके आपको ज़रूर बतलाएंगे दोस्तों कि इसका टेस्ट कैसा होता है। ये बहुत दवा है। अच्छा, इसके लिए अच्छा है दोस्तों, ये हमारा बेल का शरबत। बेल बोलो, बेल पत्ता आता है ना, बेल, हाँ, लिंबू डालते हैं ना बेल पत्ता, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल आम रस की तरह लग रहा है। अभी इसको ट्राई करेंगे और टेस्ट करते हैं हम। ये है दोस्तों, बेल का शरबत हमने लिया है, चलो इसको ट्राई करते हैं और पीते हैं। अड़ा, अड़ा, अड़ा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले बेल का शरबत मैंने कभी नहीं पिया था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और पीने के अंदर में बहुत ही टेस्टी। अच्छा, इसमें मसाला डाले, मसाला कौन सा है वो? काला नमक है, जीरा है, टाटा नमक। इसमें काला नमक, जीरा और जो टाटा नमक जो डाला हुआ है, उससे बेल का शरबत का टेस्ट जो है ये और बिल्कुल बढ़ गया। देखते हैं और ट्राई करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल है, बर्फ़ भी बहुत कम है, ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं इसके अंदर में, और पीने के अंदर में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि बेल का शरबत मैंने कभी नहीं पिया था, आज हमने ट्राई किया और आपको ही बतला दिया। जब कभी आपको कहीं मिले बेल का शरबत, आप ज़रूर पीना, और अगर आप मुंबई के अंदर में पीना चाहते हैं तो भाई यहाँ का एड्रेस क्या होगा? एक ही आलम भाई, यहाँ पे अगर कोई बेल का शरबत पीना चाहे तो यहाँ का एड्रेस क्या होगा? मस्जिद बंदर वेस्ट खाता बाजार। अच्छा, खाता बाजार है। अब कितने बजे से लगाते हो आप? मैं सुबह 9 से रात को 9। रात में 9 बजे तक डेली? अच्छा, और इसके अलावा कोई ऑर्डर लेते हो, शादी पार्टी का कोई ऐसा हो? ऐसे तो ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर लेते नहीं हो? अच्छा ठीक है दोस्तों, ये एड्रेस आपको बतला दिया। अगर आपको बेल का शरबत पीना है तो आपको मस्जिद स्टेशन आना पड़ेगा, बीच का एक ब्रिज है, वहाँ से आप निकलोगे तो खाता बाजार में यहाँ पे सुबह में 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक आपको ये स्टॉल मिलेगा, जहाँ पे आपको बेल का शरबत बहुत ही ताज़ा और बना के, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी बेल का शरबत पीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको बहुत ही जायकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नए जायके के साथ, नए टेस्ट के साथ। टाटा, बाय बाय।